हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल टेंगल बाबा जी में। मैं हूँ आप सभी का दोस्त सुधांश, और आज हम लोग बात करेंगे, आजकल फोन बहुत उड़ रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, तो इसके क्या कारण है और कैसे आप अपने फोन को ब्लास्ट होने से बचा सकते हैं, उड़ने से बचा सकते हैं। चार टिप्स दूंगा, छोटी छोटी टिप्स है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल टेंगल बाबा जी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और बगल में नोटिफिकेशन बेल बटन भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले अगले अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आईडी नीचे डिस्प्ले हो रही। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो पहली ट्रिक जो है हम लोग वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले होता है आपका हम लोग फोन का चार्जिंग का। चार्ज करते हैं किसी भी, घर में चार्जर है, किसी के चार्जर से घुसेड़ दिया, मतलब लगा दिया, चार्ज हो रहा है, कहीं भी गए, मतलब बोलते हैं यार मेरा फोन तो किसी के चार्जर से चार्ज हो जाता है, ये गलत है। या फिर आपका ओरिजिनल चार्जर खराब हो गया और आप मार्केट से सस्ते चार्जर खरीद लेते हो, इससे आपके फोन के फटने के चांसेस रहते हैं। ये आप पूछोगे ये क्यों, ये ऐसा होता है कि आपका जो ओरिजिनल चार्जर होता है आपके फोन के लिए बना होता है, आपके फोन के टेम्परेचर के हिसाब से, मतलब कितना एनर्जी चाहिए, कितना पावर चाहिए, उसको उसी हिसाब से बना होता है। बट लोकल चार्जर जो होते हैं उनका मतलब आपके फोन को ओवर हीट कर देते हैं, तो ये कारण होता है आपके फोन के ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं कि आपका फोन ओवरहीट होने के कारण ब्लास्ट हो जाएगा। हाँ दोस्तों, तो दूसरी टिप्स की बात कर लेते हैं, वो है आप अपने फोन को धूप में ना रखें। जी हाँ, आप अपने फोन को धूप में ना रखें। अब आप पूछेंगे धूप में रखने से क्या होगा? धूप में रखने से आपका फोन ओवरहीट हो जाएगा, चांसेस रहेंगे ब्लास्ट होने के, क्योंकि अगर सनलाइट डायरेक्ट आपके फोन पे पड़ता है इससे आपका फोन गर्म होगा और ज्यादा गर्मी से आपका फोन जल सकता है, फोन में आग लग सकता है, फोन उड़ सकता है। ये सब केसेस होते हैं फोन, मतलब दूसरी टिप्स है धूप में कभी भी भूल के भी फोन ना रखे, या फिर खिड़की उड़की पे कभी रखा रहता है, धूप आ रही है तो इग्नोर कर देते हो आप, तो ऐसा ना करें, ध्यान रखें कि कभी भी आपका फोन धूप में ना रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तीसरी टिप्स है जीपीएस एप्लीकेशन। जो जीपीएस एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन आपके फोन में होंगे, या फिर जीपीएस होगा, या फिर बहुत सारे एप्लीकेशन आजकल आते हैं जो आपके जीपीएस को एक्सेस करते हैं, जीपीएस को ऑन कर देते हैं, जीपीएस से आपका फोन हीट होता है। आपका फोन जब हीट होगा, फोन गर्म होगा तो जलने के, ब्लास्ट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। देखते हैं कोई भी चीज ज्यादा गर्म हो जाती है तो जलने के चांसेस रहते हैं, हीट होने के चांसेस, तो ऐसे एप्लीकेशन का ना यूज करें, कम यूज करें जो जीपीएस से आपको कनेक्ट करता है, या फिर आपका जीपीएस आप ऑन करते हो, तो जीपीएस ऑन रखना सही बात है, ठीक है, रखना चाहिए, बट आपका फोन इस केस में हीट हो सकता है और आपका फोन उड़ भी सकता है, आग भी लग सकता है आपके फोन में। हाँ दोस्तों, तो चौथी टिप्स और लास्ट टिप्स ये क्या है? पहली तो एक बात बता दूं, आप लोग जो फोन चार्ज में लगा देते हो और आप लोग काम करने शुरू कर देते हो, बहुत वीडियो गेम खेल के पबजी वाले, बहुत मेरे ही दोस्त है, देखा बैटरी डिस्चार्ज हो गया और पबजी का इतना ऐसा नशा है। ये पबजी का वीडियो नहीं है, मैं फोन की टिप्स दे रहा हूँ आपके फोन उड़ने से कैसे बताएं, बट ये होता है फोन आपका डिस्चार्ज हो गया तो चार्ज में लगा दिया, खेलने एकदम मजे में, इससे आपका फोन ओवर हीट होता है, इससे आपके फोन को फटने के चांसेस रहते हैं, आग लगने के चांसेस रहते हैं। तो कभी भी फुल चार्ज हो जाए या फिर चार्जिंग से निकाल के ही काम करें, चार्जिंग में लगा के फोन का कभी भी यूज ना करें, इससे आपके फोन को ओवरहीट मिलती है, क्योंकि अब नॉर्मली आप फोन यूज करते हो तो देखते हो वो हीट हो जाता है ऑलरेडी, वो चार्ज में आपने उसको लगा दिया, अब चार्ज में लगाए गेम खेल रहे, तो एक तो ऑलरेडी पहले से चार्जिंग मिल रहा है, उसको हीट मिल रहा है, ऊपर से आप उसको और हीट दे रहे हो गेम खेल के, गाने सुन के, बात करके, तो कभी भी कान के पास पता चला बात कर रहा चार्ज में तो उड़ गया फोन, कान गायब। तो ये सब ना करें, मतलब चार्जिंग भर पेट उसको दे दे खाना, तो आप बताओ आप खाना खाते समय कोई काम करवाए आपसे अच्छा लगेगा नहीं ना, वही यार फोन का भी है, तो आपको उसको चार्ज कर लीजिए अच्छे से, प्रॉपर टाइप चार्ज हो जाए तो यूज करिए। और एक लास्ट टिप मैं आपको दे दूं कि आप अपने फोन को नाइट में, होता है ना नॉर्मली सबको यूज करता है सोचता है कि रात में चार्ज में लगा के सो जाना है, कभी भी चार्ज में लगा के फोन ना सोइए, क्योंकि आपका फोन जब फुल चार्ज हो जाता है उसके बाद भी चार्ज में अगर लगा रहता है तो ओवर हीट होता है, आपका फोन उड़ने के चांसेस है, आग लग सकता है, ज्यादा आपका चार्जर जल सकता है, फोन जल सकता है ओवर हीट के कारण। अब इन सारे मुद्दों से एक बात कॉमन है, सबसे मेन बात यह है कि अगर आपका फोन ब्लास्ट होता है, आग लगता है, तो उसका मेन कारण है आपके फोन का ज्यादा हीट हो जाना, तो आप अपने फोन को ज्यादा हीट ना होने दें, गर्म ना होने दें, इन सब जितने भी टिप्स मैंने बताए उसे फॉलो करें, आपके फोन की लाइफ बढ़ जाएगी। डेटा ऑफ करके रखें, ये सब छोटी छोटी टिप्स मैं दे चुका हूँ, आप मेरे वीडियो पुराने देख सकते हैं, ऐसे मैं आई बटन में डालूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उसका लिंक, आप वहां से भी जाकर देख लें, सिक्योर योर एंड्रॉइड करके मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप अपने फोन को कैसे सिक्योर कर सकते हो, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी,
इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा ऊपर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, लाइक करिए दोस्तों के साथ, शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल टेक्निकल बाबा जी पर पहली बार आए हैं, मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए शुभ रात्रि, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखिए।